हेलो एवरीवन सो इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू शेड पिकॉक और उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आगे का वर्क देखिए कल रह गया था इसकी आईज रह गई थी तो आज पहले तो आईज को डाल कर लेते हैं इस तरह से आइस को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे तो हमारा फेस वाला पार्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है लाइक like दिस अब जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट जो बच्चों को लग रहा है और जिसमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को आज वो कवर कर लेते हैं मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि किस तरह से करना है कि देखिए मैं बाहर का पार्ट इस तरह से देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है आप लोगों पहले तो आउटर साइड आप डाक कर लीजिए आउटर ऑफ साइड डाक कर लीजिए और ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग निकाल लीजिए और यहाँ पे इस तरह से पेटर्स दे दीजिए अब करना क्या है यहाँ से देखिए अभी मैं सिक्स पी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इस काम को डार्क ही करूँगा बट इतना डार्क नहीं करना है कि ग्रेफाइट शाइन करे और एक पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक साथ दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आप रख सकते हैं इस तरह से किया इसके बाद एक क्लियर और कोशिश ये करें कि जी जितना ज़्यादा थिन रहेगा इसके लेयर जितनी थिन रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं फिर कुछ छोटे बना सकते हैं इस तरह से आप रखिएगा <coughs> बाकी इस वाले पार्ट से कुछ नहीं आप लोगों को बस इस तरह से लाइंस दे देनी है इस तरह से आप लोग लाइंस दे देंगे और लास्ट में भी इसको इस तरह से जोड़ देना है लाइक like दिस अब जो नीचे का पार्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको भी हम लोग इस तरह से कवर कर लेंगे और ये जो लाइन्स हैं इनको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देंगे लाइक like दिस तो ये पार्ट आपका ऑलमोस्ट <coughs> कम्प्लीट हो गया है इसको करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि हमने इसके अंदर ये जो डिज़ाइन आप देखते हैं मोर के पंखों पर रहता है तो इसके लिए क्या करना है पहले बीच का पार्ट इस तरह से आप डार्क कर लीजिए और बीच के पार्ट को छोड़ लीव कर दीजिए और बाकी का पार्ट डार्क कर दीजिए इस तरह से डार्क किया मैंने बीच में थोड़ा सा पार्ट जो कि बहुत ही ज़रा सा पार्ट है आप कह सकते हैं पॉइंटेड पॉइंट point के बराबर पार्ट है उसको वाइट छोड़ा है उसके बाद ये सिक्स भी ही पेंसिल से पहले मैंने थोड़ा सा एरिया डार्क कर दिया और बाकी के एरिया में ऊपर की तरफ इस तरह से हैचिंग कर दिया लाइक like दिस तो ये काम आपको किस में करना है आपको सारे जितने भी आपने यहाँ पे ये जो डिज़ाइन होता है इसके विंग्स में आप कह सकते हो यार टेल पे उस पर आपको इस तरह से ही प्रोसेस को फॉलो करना है और बाहर की तरफ देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए पहले वाइट छोड़ा मैंने उसके बाद ऊपर का एरिया डार्क किया है बहुत ज़्यादा और फिर उसके ऊपर का एरिया थोड़ा सा लाइट उसके कंपैरिजन में बहुत लाइट लाइट ताकि एक पैटर्न दिखे डार्क टू लाइट का ठीक है ना इतना हम लोग कर चुके हैं अब हम लोग क्या काम करेंगे विंग्स के अंदर की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट है नहीं कोई भी ड्राइंग कोई भी आप लैंडस्केप बनाते हैं ड्राइंग बनाते हैं तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि आप उसको कंप्लीट देखते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अब इसके लैक्स की अगर बात करें तो ये देखिए मैं बुक भी आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि बुक में किस तरह से किया हुआ है थोड़ा सा डिफ्रेंसेस रह सकते हैं हमारे साथ लेग्स बहुत इजी है एक बार आपने ड्रॉ कर लिया अच्छे से उसके बाद आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी इसको सिंपली बस डार्क कर देना जो मैंने बनाया बनाया है पहले से उसको ही मैं डार्क कर दे रहा हूँ और डार्क करने के बाद बस इसमें पैटर्न देना है लेग्स का जैसे पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही पैटर्न आपको दे देना है इसके नेल्स बना लेंगे थोड़ा डार्क इस तरह से क्योंकि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ इसके जो लेग का पार्ट होता है वो आ, अच्छा नहीं होता जितना ब्यूटीफुल हमारा पिकॉक होता है बट उसके लेग्स जो हैं अच्छे नहीं होते हैं उसके कंपैरिजन में तो ऐसा माना गया है इट्स अ मिथ और यू कैन से कि ऐसा बोलते हैं लोग कि जब भी बारिश होती है तो जो पिकॉक है अपने लेग्स को देख के कि वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ बट मेरे लेग्स इतने ज़्यादा गंदे क्यों हैं वो देखने में इतने अच्छे क्यों नहीं हैं तो उनको देख के रोता है टीयर्स निकालता है ऐसा बोला जाता है बट आप लोगों को इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इट कैन बी ट्रू और फॉल्स तो इस तरह से आप लेग्स पे वर्क करेंगे और जैसा कि आपको बताया मैंने कि ज़्यादा सुंदर नहीं जैसे हैंड के लेग्स होते हैं लगभग लगभग में वैसे ही इसके लेग्स रहते हैं तो इस तरह से हमने बना दिए हैं लेग्स और बाकी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रास का पैटर्न आप दे देंगे थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छा आता है अभी तक वीडियो हमारी ऑन टाइम वीडियो चल रही है आप कह सकते हैं कि आ, जितना है इसका स्क्रीन टाइम और जो मैं शूट कर रहा हूँ एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पे कर रहे हैं इसको बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं कि सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम आप लोगों को दे रहे हैं पहली वीडियो में भी थर्टीन मिनट्स के अप्रोक्स लगे थे अब सेकेंड प्रोसेस आता है यहाँ पर इसको कैसे कवर करेंगे इसको कवर करने के लिए देखिए आपको मैं एक एक पैटल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्स बना लिए वन टू थ्री फोर इस तरह से पैटल्स बनाए ना अलग तो इसमें आप लोगों को ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से अगर आप बुक भी देखेंगे ना तो बुक में भी इसी तरह से ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से हैचिंग की है या आप कह सकते हैं स्ट्रोक्स दिए हुए हैं मैं इसको बेसिकली बोलता हूँ स्ट्रोक्स पेंसिल को मैंने यहाँ पे थोड़ा शार्प कर लिया है अच्छा इसको करने से पहले आप एक काम ये कर सकते हैं पूरे एरिया को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो इससे ये होगा कि थोड़ा सा जो है शेडेड लगेगा ये या फिर तो आप अभी शेड मत कीजिए इसको सबसे एंड में करेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमको यहाँ पे थोड़ी शाइन दिखानी है जैसा कि बुक में दिया हुआ है तो अभी हम ये काम नहीं करेंगे अच्छा एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैं बताता हूँ क्या चीज़ है जैसे आपने यहाँ पर पैटर्न पैटर्न दिया इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने बनाया तो बीच बीच में जैसे आप यहाँ इन दोनों के बीच में आप नेक्स्ट वाला पैटर्न दीजिएगा जो आप शेडिंग देंगे दूसरे पैटर्न की वो इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए लाइन से आप बना रहे हैं अब देखिए इन दोनों के बीच में जो वाइट एरिया है अब मैं वहाँ पर शेडिंग दे रहा हूँ समझ में आ रहा है ना ऊपर के जो पैटर्न हैं उसके बीच में और इस तरह से आपको पूरी इमेज में ये काम करना है वीडियो को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस सेम आपको करना है इसी तरह से करना है अच्छा वीडियो को आगे ना बढ़ा के मैं ये चाहूँगा कि ऑलमोस्ट जिसमें जो हमारा वर्क है वो लगभग लगभग में डन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि और क्या करना है फिर इसके बाद आप लोग मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्लीट करके दिखाएं कि आप लोगों के एंड से क्या रिज़ल्ट आ रहा है फिर जब मैं ये जो ड्राइंग है जो कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को अपनी ड्रॉइंग आपको सेंड कर दूँगा और फिर आप लोग कंपेयर करिएगा कि आप लोगों ने क्या इसमें मिस्टेक की है और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा अच्छा बनाएंगे आप लोग बहुत अच्छा इसको जो है कवर करेंगे तो अभी इसमें कुछ नहीं रिपीटिशन होना है सारी चीज़ों का रिपटीशन का मतलब ये कि ये जो पैटर्न मैंने दिया है ये पूरे यहाँ तक इसके जो विंग्स हैं पूरे में आएगा सेकेंड थिंग इसमें जो ये डिज़ाइन मैंने दिए हैं आप अगर देख पा रहा हो तो वन टू थ्री फोर काफ़ी ज़्यादा इसमें बीच बीच में इसमें पैटर्नस दिए हैं मैंने तो ये सारे में पैटर्न आएगा लास्ट में क्या करना है हमें लास्ट में हमें ये करना है कि हम एक पेंसिल लेंगे फोर भी ले सकते हैं आप या सिक्स भी ले सकते हैं लेने के बाद पेंसिल को थोड़ा सा नाइन्टी डिग्री होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा और इस तरह से ना पैटर्न्स बीच बीच में बना दीजिएगा देखिए पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसको ब्लेंड कर चुके हैं अब सिर्फ और सिर्फ इसको आपको इस तरह से पैटर्न बना देना है मैं आपको एक साइड कवर करके दिखा दे रहा हूँ और बाकी का मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से मुझे ये करके दिखाएंगे देख रहे हैं ना आप और ये पैटर्न कोई एक सेट पैटर्न नहीं है अलग अलग डायरेक्शन में आप इसको बना सकते हैं यहाँ से ये पैटर्न आना शुरू होगा आप जैसे बुक में भी देख सकते हैं थोड़ा कहीं पे ज़्यादा लंबा ये लाइंस थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी कहीं पे थोड़ी सी कम तो ये सेम चीज़ आपको नीचे तक अप्लाई करनी है ठीक है ना थोड़ा लॉन्ग पेटल्स थोड़े से कम लॉन्ग पेटल्स तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप लोग इसमें पैटर्न अप्लाई करेंगे और जब ये आपके पूरा जो इसमें डिज़ाइन आपको देना है ये वाला और ये वाला डिज़ाइन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये जो पिकॉक है एग्जैक्टली ऐसे ही लगने वाली है तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और आप लोग इसको कंप्लीट करके आज मुझे दिखाएंगे मैंने इतना पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसे कंप्लीट करके मुझे दिखाएं और मैं चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहता हूं कि आप लोग आगे का पार्ट कैसे कंप्लीट करते हैं तो इसे आप कंप्लीट कीजिए बाकी इसको मैं कंप्लीट करके इसकी जो पिक है वो इस बार क्लास में नहीं नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को पॉसिबल होगा तो मैं सेंड कर दूँगा आप लोग देखिएगा कि क्या डिफ्रेंसेज हैं फिर तो आई विश यू ऑल द बेस्ट लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हैं